बेगुर चेला हीरे हीरे लाल अमोल हीरे लाल अमोल गुर सिख जानिए हीरे हीरे लाल अमोल हीरे लाल अमोल हीरे हीरे लाल अमोल हीरे एक कुआं तोल एक कुआं पतोल एक कुआं पतोल कुदरत जानिए कुदरत जानिए ओंकार अबोल ओंकार अबोल चोज हीरे लाल अमोल हीरे लाल अमोल हीरे हीरे लाल अमोल हीरे लाल अमोल सूरा सो पहचानिए टोलर दीन के हेत सूरा सो पहचानिए टोलर दीन के हेत पुरजा कट मरे पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े तेरा हुक्म अपार है कोई अंत न पाए जिस गुर पूरा पेट सी सो चले रजाए देह शिवा बर मोह है शुभ कर मन ते कबहू न टरूं न डरूं अरसों जब जाय लरूं निश्चय कर अपनी जीत करूं जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तले गले मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जय सिर दी जय कान न की जय सिर दी जय कान न की जय कान न की आनंद गुणी निधान
गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। डग मग छाड़ रे मन बौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पइए, लीनो हाथ सिंदौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा। मन रे छाड़ो ब्रह्म प्रगट होए नाचो, मन रे छाड़ो ब्रह्म पर प्रगट होए नाचो, या माया के डांडे, या माया के डांडे, सूर के सन्मुख रन ते डर में, सुर के सन्मुख रन ते के सन्मुख रन ते डर पे, सूर के सन्मुख रन ते डर पे, सती के साचे पांडे, सती के साचे पांडे, डग मग छाड़ रे मन बौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पइए, लीनो हाथ सिंदौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा, डग मग छाड़ रे मन बौरा। काम क्रोध माया के लीने, काम क्रोध माया के लीने, या विद जगत बिगूता, या विद जगत बिगूता, कह कबीर राजा राम ना छोड़ो, राजा राम ना छोड़ो, कह कबीर, कह कबीर राजा राम ना छोड़ो, छोड़ो राजा राम ना छोड़ो,
कह कबीर राजा राम ना छोड़ो। राजा राम ना छोड़ो, ना छोड़ो, ना छोड़ो, ना छोड़ो। कह कबीर राजा राम ना छोड़ो, कह कबीर राजा राम ना छोड़ो। सगल ऊंच ते ऊंचा, सगल ऊंच ते ऊंचा, डगमग छड़ रे मन बोरा, डगमग छड़ रे मन बोरा, डगमग छड़ रे मन बोरा, डगमग छड़ रे मन बोरा। अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए। लीनो हाथ सिंदौरा, डगमग छड़ रे मन बोरा, डगमग छड़ रे मन बोरा, डगमग छड़ रे मन बोरा, डगमग छड़, डगमग छड़, डगमग छड़ रे मन बोरा। हुकम तिसै का हुकम बूझ समावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे। आवन जाना हुकम तिसै का, आवन जाना हुकम तिसै का, हुक्म बूझ समावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे। उदक समुद्र सलल की साखिया, नदी तरंग समावेंगे, उदक समुद्र सलल की साखिया, नदी तरंग समावेंगे। सुन है सुन मिलया समदर्शी, पवन रूप होए जावेंगे, सुन है सुन मिलया समदर्शी, पवन रूप होए जावेंगे। आवन जाना हुक्म तिसै का, आवन जाना हुक्म तिसै का, हुक्म बूझ समावेंगे, बाहर हम काहे आवेंगे, बाहर हम काहे। Oh.
आवन जाना हुकम तिसै का हुकम बूझ समावेंगे बाहर हम काहे आवेंगे बाहर हम काहे आवेंगे जब चूके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे जब चूके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे दर्शन छोड़ पाए समदर्शी एको नाम ते आवेंगे दर्शन छोड़ पाए समदर्शी एको नाम ते आवेंगे आवन जाना तिसै का आवन जाना हुकम तिसै का हुकम बूझ समावेंगे बाहर हम काहे आवेंगे बाहर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुकम तिसै का आवन जाना हुकम तिसै का हुकम बूझ समावेंगे बाहर हम काहे आवेंगे बाहर हम काहे आवेंगे जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावेंगे जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावेंगे हर जी कृपा करे जाओ अपने हर जी कृपा करे जाओ अपने तो गुर के शब्द समा जित हम लाए तित ही लागे तैसे कर्म कमावेंगे तैसे कर्म कमावेंगे हर जी कृपा करे जो अपनी तो
के शब्द समावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे। आवन जाना हुकम तिसे का, आवन जाना हुकम तिसे का, हुकमे बूझ समावेंगे। बहर हम काहे आवेंगे, बहर हम काहे आवेंगे। जैसा हुकम होया सी साध संगत, इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है, वाइड इनफ टू कवर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम। पर यह है कि चलो थोड़ा जहा इतिहास का एक जरा इतिहास है जरा सफरे शहादत दे विच, सफरे शहादत दे विच जिहड़ी संस्कार होया जगत माता माता गुजर कौर जी का ते साहबजादियां का, वो संस्कार जरा है वो गुरु घर के प्यारे टोडरमल जी ने किया। उसका मैं थोड़ा जि संखेप दसागा। तो इस तरह से जो शहादत हो गई, शहादत होने के बाद ये जी सी सेवा करने का मौका दीवान टोडरमल होर मिलया। दीवान टोडरमल जोड़े से इन्होंने जोड़े बजुर्ग से इन्हों का, वैसे बेसिकली पिंड जोड़ा है भवानीगढ़ के कोल है आलोवाल। गुरु रामदास के वक्त इन्हों परिवार एक बजुर्ग से, वह गुरु रामदास जी के दर्शन कर भवानीगढ़ तो रामदास जी के कोल गुरु रामदास जी को गए। अच्छा, दर्शन तो हो गए पर उन्होंने कोई मंग नहीं की, और दर्शन संगत कर रही सी लाइन के खड़ के दर्शन कर रही सी गुरु रामदास जी के। इन्होंने दर्शन किए, जो उन्होंने मन की भावना सी उस बजुर्ग की वो पूरी हो गई, और वो बगैर कुछ कहे यानी कि उतों चल पिया। ये जदों मंजर गुरु रामदास साहब ने देखा, उन्होंने कहा भी ये तो बजुर्ग आया जरूर है, पर मन की इच्छा जी है देखनी पेगी की है। बुलाया, पूछया, वो कहने लगा भी मेरा सारा कुछ ठीक है, मैं तुहाडे दर्शन हो गए, मैं धन धन हो गया, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, बेनती है कि तुसी मेरे घर जरूर आओ, मैं गरीब इंसान हाँ। तो वह कहन लगे भी तुहाडे घर जरूर आवांगे असी, तो 35-40 सिख भी आउणगे। वो कहन लगा 35-40 जिहड़े सिख ने भी मैं उन्हां दी सेवा तो नहीं कर सकता, पर मैं आप जी की सेवा जिहड़ी मैं कर सकता। वो कह लगे असी इस जामे च नहीं आना थोड़े को, ना तुसी इस जामे च रहना है, तो तुसी भी अपना यानी कि तुहाडी भी डैथ हो जानी है, मैं भी इस जामे च नहीं रहूँगा। पर नौवें जामे दे विच आके फिर तुहाडे दर्शन होणगे। ते अज जो तुसी कह रहे हो कि सारे को पैसा नहीं, धेला नहीं, कुछ नहीं है, पर उस पीरियड के दौरान तुहाडी जिहड़ी वंश होएगी उन्हां दे कोल बहुत सारी माया होएगी, और वो फिर जिहड़ा वर उन्होंने देता वह बजुर्ग उतों चला गया। फिर गुरु तेग बहादुर साहब जदों पटियाले तो इधर शहीदी पाण जा रहे थे अपने नवी दिल्ली, उस वक्त उन्होंने यानी कि इस पिंड आके उन्होंने स्टे करनी सी, और उन्होंने ना गलबात हुई, पता लग गया उन्होंने परिवार को भी इस तरह करके आए ने। तो वो फिर जेडे उन्होंने तो कई सैकड़े एकड़ बाग ने बहुत व्डे व्डे हूँ भी जी उन्होंने अंश चल रही है। तो वो बड़े खुश होए, ठीक है, उस समय उन जिनी मोहर और सोना और जिन्ना हर किस्म की जी चीज़ सी उन्होंने कोल सी, उस बजुर्ग के जेडे ये दीवान टोडरमल के जेडे है जी अंश के सारे सन। फिर ये जदों ये शहादत हो जाती है, शहादत होगी माता गुजर कौर होना दी भी और छोटे साहबजादियों की, हमने 3 दिन जेरे सी पार्थिक शरीर जेरे सी डेड बॉडीज दे वर लाइंग इन द ओपन ग्राउंड, और ये सी कि ये जेड़े जंगली जानवर ने या गिद्धा ने या होर इस तरह के वल्चर्स है भी वो खान गए,
यानी बेअदबी करनी सी उन्होंने उन्होंने शरीर की। दीवान टोडरमल नूं पता लगा वो अपने ब्रदर उहदा ब्रदर का नाम सी नागरमल। ये जैन कम्यूनिटी है और बड़ी मतलब शाहूकार कम्यूनिटी है। इन्हों का बिजनेस जरा उस पीरियड के भी इन्हों के हूँ भी जो वंश वाले है उन्होंने हूँ भी बहुत कुछ है। तो यह जरा इसने संस्कार करने की बेनती जी सी जो उतों का सूबा सी सूबे सी तीन एक दिल्ली का सूबा एक सरहंद और एक आ गया लाहौर। जरा सूबा सरहंद से यदा नाम से वजीर खान इसनों रिप्रजेंटेशन दी है कि मैनू ये मौका दिता जाए मैं इन्हों की डेड बॉडी की संभाल करा। वजीर खान मानता नहीं सी पर समहाउ उन्हें मना लिया गया और उन्हें कहा भी ठीक है मैं तेनों अगर तू 11x11 का प्लॉट है ये मैं इन्हें तेनों मैं तेनों इजाजत देना कि 11x11 का प्लॉट है पर तू प्लॉट खरीद सकता है प्रोवाइडेड अगर तू इत्थे सोने की मोहर जड़ियाँ ने तू बिछाए। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अरेंज सच ए ह्यूज और एनॉर्मस मनी पर इन्हों के कोल काफ़ी धन दौलत बड़ी सी गड्ढा के गड्ढे भर के जोड़े से मोहर दे लियाए। ये जरा ज्योति स्वरूप गुरु घर है इतने एक पिंड नाल ही उस पिंड की यानी कि जो सैक्शन है ये जरा ज्योति स्वरूप है उस पिंड का ना है अत्ते वाली। उतों का एक नवाब सी उसका नाम सी चौधरी अता। चौधरी अते तो जमीन लैनी सी 11x11 का प्लॉट जरा लैना सी इन्होंने और लैना सी और फिर उसने एक होर शर्त लाती तू कला ले डाउन नहीं करेगा तू वर्टिकल जड़िया ने मोहर जड़िया सोने की वर्टिकल खड़ी करेगा। तो तुसी आप अंदाजा ला लो एडे वे यानी इन्ना प्लॉट है और इन्नी इन्नी मोहर ने लाइक दिस द साइज और उन्होंने अरेंजमेंट किया वर्टिकल पोजिशन च खड़ा करके और सब तो महंगी जी हैगी है वर्ल्ड अगर कोई अगर कीमती जगह हैगी है ये सब तो कीमती जगह है ऑन द अर्थ जे यदी हुण दी वैल्यू लाई जाए। इत्थे फिर संस्कार वास्ते अरेंजमेंट की करना सी इना दी इना दा जिहड़ा ब्रदर सी नागरमल वो और इना ने जिहड़ी सी सैंडलवुड जिहड़ी है जिहड़ी तुहाडी चंदन दी लकड़ी है इहदी चिखा जिहड़ी है तैयार कीती। चिखा तैयार करके ते नागरमल और मोती मेहरा जी मोती मेहरा दे शाम के दीवान दे विच हो सके मैं मोती मेहरा दे बारे भी डिस्कशन करांगे इहदा इतिहास बोलांगे इन्हां दा इतिहास की सी पर इन नॉट शेल जिहड़ी मैं हुण डिस्कशन करन लगा देवर थ्री परसनस मोती मेहरा जी नागरमल एंड दीवान टोडरमल इन्हां तिन्हां ने छोटे साहबजादों का संस्कार किया और नाल ही मोती मेहरा जी की जिहड़ी माँ सी उन्होंने और दीवान टोडरमल की वाइफ इन्हां ने वो नशनान जिहड़ा सी करवाया जगत माता माता गुजर कौर जी और उन्हां दी जिहड़ी जिहड़ी चिखा जी सी उहदे सेंटर च माता गुजरी दा जिहड़ा पार्थिव शरीर सी ओह रखिया डेड बॉडी और उहदे नाल जिहड़े सी छोटे साहबजादे दा शरीर जिहड़ा सी ओह टकाया और इस तों बाद जिहड़ा संस्कार होया संस्कार तों बाद जिहड़ी विभूति सी ओह एक यानी काफ़ी वड्डे मटके दे विच ओह साइज़ सी बर्तन उहदे विच पा के उत्थे दबदी पर मौका जिहड़ा पा के ये टाइम लंघिया तो गुरु गोबिंद सिंह साहब दे नाल जदों मुलाकात हुई है दीवान टोडरमल दी तो दीवान टोडरमल ने कहा कि मैं चाहना कि ये मेरी जर खरीद है। जर खरीद का मतलब है सैल्फ क्वायर प्रॉपर्टी जी 11x11 की जी जगह हैगी है ये उसने खरीद के उस जमाने से रजिस्ट्री तो नहीं सी बनती जिस तरह हूँ अच्छा बन दी रजिस्ट्रियाँ तहसीलदार के ऑफिस बट डाकूमेंट डिकलेयर हो जाता सी ऑन द बिहाफ ऑफ द हायर अथॉरिटीज़ की जगह जी है दीवान टोडरमल की है। वो फिर उसने ये वर मंगया कि मेरी अंश के पिछों कोई बंदा इस जगह का कोई मालकी ना मतलब मालकी क्लेम ना करे। ऐसा गुरु का सिख सी दीवान टोडरमल जिसने जगह खरीद के इन्नी कीमती जगह खरीद के और ये वर मंगया गुरु साहब तो कि ये जायदाद मेरी नहीं है ये जायदाद जी पंथ दी है मेरा कोई वली वारस कोई लीगल हायर इसनू इन फ्यूचर ना क्लेम करे। और वो वर जरा उन्होंने दिता गया उन्होंने परिवार के किसी ने वो जगह क्लेम नहीं की है गुरु पंथ के नाते सी। सो इस तरह जरा इतिहास जरा टोडरमल जी का है और देख लो कि भी सानू ये चाहिए है मैं सुना वाला और तुम सुन वाले हो
मेरी तरह कई स्रोते थे आगे या कई जरिए स्पीच देने वाले आउन गए थे दे विल लेट यू नो होल ऑफ द हिस्ट्री यू आर द लिसनर मैं एड्रेस करने वाला मेरे वर्ग के होर भी बंदे आवगे पर सानू कुछ ना कुछ सेहत जी जरूर मिल लेनी चाहिए है अज साडे परिवार दे विच सारे पंथ विच तुसी देख लो किन्नी गिरावट आ रही है और इस दी जिम्मेवारी सानू हुण लैनी पैनी है पंजाबी दा ऊड़ा वो गायब हो रहा है और सरदारां दा जूड़ा ये भी गायब हो रहा तो ऊड़े और जूड़े दी जिहड़ी है मर्यादा है कायम करन वास्ते सानू ये वड्डी वड्डी हिस्ट्री जिहड़ी हैगी है इन्हां दे गो थ्रू होना चाहिए मार्गदर्शन लेना चाहिए असी किस परपज़ वास्ते इत्थे आए हैं सैकटरी साहब हुण थोड़ी देर पहला यही कह रहे सी जिहड़ी संगत थले बैठी है वह थले उपर आए ये रिक्वेस्ट थोड़ी देर पहला मैनू भी आई सी और मैं सारी संगत नूं जाके हाथ जोड़ के बेनती की सी कि अज दे दीवान दे विच जिस मकसद वास्ते तुसी आए हो मैं यंगस्टर जिहड़े बैठे सी वह कहन लगे मैनू असी क्यों जाइए उपर मैं कहा यू आर देयर टू लिसन दी हिस्ट्री ऑफ दीज साहबजादा बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड ऑल दिस यू सी जिहड़ा सारा विरसा है इसनों तुसी होल्ड कर रहे हैं सो प्लीज़ गो अपस्टेयर्स एंड लिसन वट एवर द एड्रेसेस आर गोइंग ऑन इनसाइड मैं रिक्वेस्ट की यंगर जनरेशन की मातावान भैनों सब ने की कि तुसी आओ उपर बैठो ये तो खाण पीना जिहड़ा चलता रहेगा फिर भी कर सकते हैं पर जो मैं चलो बेनती ठीक है मेरी साड़ी करनी चाहिए है पर संगत की अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि जिस परपज असी आए हैं गुरुद्वारे च आउन नाल कोई बंदा धार्मिक नहीं हो जाता 50 साल तो तुसी लगातार गुरु घर ते आउंदे रहे हो पर यू विल नॉट बी बिकम ए रिलीजियस परसन अनटिल एंड अनलेस यू गो एंड प्रैक्टिस द प्रिंसिपल्स विच हैव बीन एनश्राइन बाय द ग्रेट गुरूज जब तक असी उस लाइफ के कोई चेंज नहीं असी करते इट इज़ यूजलैस इट इज़ जस्ट टू कम इनसाइड गो इनसाइड आउटसाइड हैविंग ईटिंग थिंग्स एंड वेंट अवे वो परपज़ जिहड़ा हैगा वो हल नहीं होएगा ऊड़े और जूड़े ने संभालने वास्ते सानू बहुत मेहनत करनी पेगी एंड होप कि अगर मैं किसी की इतने बैठे हुए साध संगत किसी भी बस फीलिंग्स हर्ट किया आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट पर मैनू दो लफज जिहड़े कहने पे इस महान जिहड़ी हैगी है जिहड़ा असी ये मना रहे हैं सफरे शहादत ये शहादत तो सानू कुछ ना कुछ सीखना चाहिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता और सारी संगत का धन्यवाद करता सैकटरी साहब का धन्यवाद करता जिन्होंने मौका दिता इतने आने वास्ते एंड सरदार इंद्रजीत सिंह और अपने संधु साहब भाई साहब भाई परमिंदर सिंह हो रही ये कहन लगे थोड़ा जहा इतिहास का जिक्र करो सो मैं कोशिश की है कि गागर दे इस सागर दे विच मैं जिहड़ी गागर हैगी सारे सागर नूं समो सकी है बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंपाइल एवरीथिंग इन दिस यू सी इन द स्मॉल कंटेनर मैं सारी संगत का धन्यवाद करता वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दाता मैं कलम उठा ली तेरे सहारे ते आज जहां मेहर कर दियो कर्मा दे मारे ते जोगी नी माणा डिठा तेरे द्वारे ते हिंदियां दा बेड़ा पार लाया तू तार के देश दी राखी कीती पुत्रां नू पार के देश दी राखी कीती पुत्रां नू पार के देश दी राखी कीती पटने विच जन्म तार के पापी कई तारे सी भीकम विच फकरा वाले शंके निवारे सी दर्शन कर राणी बहनी तपदे दिल ठारे सी दुनिया लई पिता पिजिया दिल्ली करवानी नो कविया दी नमस्कार है पुत्रा दे दानी नो कविया दी नमस्कार है पुत्रा दे दानी नो कविया दी नमस्कार है विच उम्र दे जंगा हानी बन लड़िया तू तीरां दे नाल दातिया पनिया सी कड़िया तू गल्ला भी चोज परियां कीतियां बड़िया तू वार के बापू मान तोड़े अहंकार दे देश दी राखी कीती पुत्रां नू वार के देश दी राखी कीती पुत्रां नू वार के कर्म तो लाल वारते पटने तो आनंदपुर आके कईयां नूं तारिया कीती जे मैस किसे ने ख्याला नाल हारिया कईयां ने अर्पण करके आपा असवारिया
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਜਰੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਨਿਵਾਰੇ ਕਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂਰਿਆ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬੈਰੀ ਖੰਗੂਰਿਆ ਕੈਦ ਡਰਪੋਕ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੂਰਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਖੋਰ ਪਤਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪਿਉਂਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕੱਟ ਲੈ ਫਿਰ ਧੜ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਪਲਾਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਮਾਰੇ ਨੰਗਾਰੇ ਸਿੰਘ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਰਾਜੇ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਗਏ ਆਏ ਕਈ ਜਾਫਰ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਹਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਾਲ ਮਾਰ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਤੂੰ ਲਾਈਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਫਟਿਆ ਗਲ ਚੋਲਾ ਮਾਸੀ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵਿਛਾ ਲਈ ਪਾਲੇ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਸੀ ਵਰਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਰੜਕੇ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲਾਲ ਮਾਰਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ ਲਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਖੀਰਲੇ ਮਤਲਬ ਦਸਾਂ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਵਰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਆ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੱਠ ਪੋਹ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਨੌ ਪੋਹ ਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸਿਪਾਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ
वह एक पासे साड़िया 10 लाख फौजा सगिया तो दूजे पासे गुरु गोबिंद सिंह के 40 सिख असी फिर भी गुरु गोबिंद सिंह ज्योदे गिरफ़्तार नहीं कर सके। मैं अपने हजारा जरनैल चोटी चोटी के जरनैल कहिंदा शहीद करवा लिया उत्थे मरवा लिया तो तुसीं कहिंदा आण के रुतबियां की गल करदे आ दहा हो जाओ कहिंदा सिपाही आखण लगे खान साहब बड़ी खुशखबरी है। अच्छा कहिंदा दसो फिर कि खुशखबरी लैके आए हैं। वो दसण लगे कि साढ़े अपनी सरकार दे सूए सरकार दे टाउट गंगू ब्राह्मण की मदद दे नाल मेहनत दे नाल गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे ते उन्हां दी माता जी गिरफ़्तार कर लै गए हैं। मोरिंडे की जेल दे विच हन, थानेदार जानी खां ते मानी खां की हिरासत दे विच हन। सूबेदार नूं बड़ा चा चढ़ गया, कहिंदा भी ठीक है लै हुण कहिंदा मैं अपने मन दीआं छावां पूरीआं करांगा। फौरन कहिंदा उन्हां नूं सरहंद लिआंदा जावे, लिया के हवालात च बंद कर दिओ ते साहिबजादियां नूं सरहंद तो अपने मोरिंडे तो सरहंद लिआंदा गया, हवालात च बंद कर दिते गए ने। जदों हवालात च बंद कर दिते है उस ही सरकार दे विच एक जॉब करदे ने, सरकारी नौकरी करदे आ बाबा मोती राम मेहरा जी। उन्हां नूं पता लगता क्योंकि वह उन्हां दी ड्यूटी हुंदी है जिहड़े सियासी कैदी आ उन्हां दा लंगर पानी रोटी पानी का प्रबंध वह करदे आ। जो उन्होंने पता लगे वो जाके मिलते हैं माता जी को, साहबजादे के दर्शन करते हैं, बड़ा उन्होंने दुख होंदा आ, पुछदा माता जी मैं आप जी की किवें सेवा कर सकदा कि मैं इत्थे जॉब करदा तो अपनी नाले ये भी गल दसदा आ दादी माता नूं कि मैं हरा सिंह का पुत्र हाँ। बाबा मोती राम मेहरा का जो इतिहास है आप ना वेखिए यह गुरु घर के नाल जुड़िया हुआ इतिहास आ। मोती राम जी दसते हैं कि माता जी मैं हरा सिंह का पुत्र हाँ। माता जी कहिंदे हाँ मैं पुत्र अपने हरा सिंह नूं जानदी हाँ, बड़े सिदकी सिख सीगे वह और आनंदपुर साहब दी लड़ाइयां दे विच वह शहीद हो चुके ने। हाँ माता जी मैनू पता शहीद हो गए ने। माता जी जालम सरकार आ ते मैं इत्थे जॉब करदा नौकरी करदा मैं आप जी दे लई रोटी पानी का प्रबंध करना। तो माता गुजरी जी आखण लगे कहिंदे पुत असी नहीं चाहते साड़ी खातर तू किसी मुश्किल दे विच पवें, पर दूसरी गल ये असी इन्हां दुष्टां दे घर दा इन्हां जालमां दे घर दा एक भी दाणा अपने मूँह दे विच नहीं पाउणा, एक भी बुरकी असी अपने मूँह च नहीं पाउणी हैगी। ये कहिंदा माता जी कोई गल नहीं मैं अपने घरों लैके आवांगा, बना के इत्थों लियावांगा। घर जाके दसदा आ ते इन्हां दी माता लद्दो जी, इन्हां दी पत्नी बीबी भोली जी, 7 साल का पुत्र है नरैणा, सारे बड़ा ही दुख महसूस करते आ, बराग दे विच आ जांदे हन। मैं कल मिक्की भाजी नाल वी गलबात कर रहा सीगा वी सुणदे हुंदे सीगे कि फतेहगढ़ साहिब की संगत इन्हां दिनां दे विच बाहरों आई हुई संगत की सेवा भी बहुत करदी हुंदी सी ते कहिंदे हुंदे सी मंजिआं दे उपर नहीं सौंदे, इन्हां दिनां चों थल्ले ही अपने आसन लगांदे हुंदे सी क्योंकि दुख उन्हां नूं दर्द महसूस करदे सीगे। वैसे जिहड़ा दर्द है दुख हुंदा महसूस करन वाला ही है, दर्दमंद नूं दर्द की दर्द हुंदी, बेदर्द नूं दर्द की दर्द की है, दर्द दर्द नाल बकरा कट जाता पर कट्टण वाले दी जान दी करद की है, दर्द असल दे विच महसूस करना ही है। पर जिन्हां लोकां दी जमीरां मर जाण अणख मर जावे उन्हां नूं ये फीलिंग्स जिहड़ियां उन्हां दे विचों खत्म हो जांदियां ने। सारा परिवार बड़ा दुख मना रहा है और सुणदे हुंदे सी कि फतेहगढ़ साहब की संगत जां होर भी जिन्हें गुरु घर नूं प्यार करने वाले लोग ने इन्हां दिनां दे विच कोई प्रोग्राम भी नहीं सी लीकदे, अपने खुशी वाला कोई ब्याह शादियां वाला कोई होर भी जिहड़ियां पार्टियां वगैरह आ बिल्कुल नहीं सी लीकदे हुंदे। पर उस तो बाद राजनीतिक लोगों ने इस तरीके दे नाल साडे इस इतिहास नूं गंदला कीता, बिगाड़िया, वो राजनीतिक अखाड़ा बना के उत्थे एक दूजे नूं डायलॉग मार मार के उन्हां नूं लोगों की मानसिकता ही बदल दिती है। अज लोग इन्हों दिनों के बड़बड़िया पार्टियां करते हैं, मैं चलो क्रिसमस दी पार्टियां जाते आप करते आप उन्हां दी खुशी शरीक हाँ, पर आप कोशिश करनी चाहिए भी आप इन पार्टियां तो जिन्ना क परहेज कर सकते हैं करिए, कोशिश करिए आप क्योंकि आप गुरु साहब के जो परिवार विछोड़े के दुख के दर्द आप शरीक होना बहुत ही जरूरी है। आओ आप इतिहास की अगली कड़ी के नाल जोड़ते हैं।
दासपोह नूं साहिबजादियां नूं हवालात दे विच बंद कर दिता जांदा ते सूबेदार वजीर खान कहिंदा आ वी 11 पोह नूं कचहरी लगाई जाएगी प्रबंध कर दिता जाए सारा ही ते 11 पोह नूं पहली पेशी हुंदी आ साहिबजादियां दी ते माता गुजरी जी साहिबजादियां नूं तैयार करके भेजदे ने साहिबजादे कचहरी दे विच पेश हुंदे आ सूबेदार वजीर खान उन्हां नूं बड़े प्यार दे नाल समझाउंदा आ कि आओ तुसीं इस्लाम दे विच आ जावो मैं दुनिया भर के जिहड़े सुख आ तुहाडे चरणां दे विच रख देंगा। साहिबजादियां ने यह सारियां मंगां जिहड़ियां ठुकरा दित्तियां। साहिबजादे वापस माता जी कोल चल जांदे ने, माता जी उन्हां प्यार करदे आ, उन्हां नूं होर उन्हां दा मनोबल उपर चुकण दे लई इतिहास दे नाल जोड़दे आ। 12 पोह की फिर दूसरी कचहरी जिहड़ी आ लगदी है, 12 पोह की उस पेशी दे विच जिहड़े साहिबजादे आ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਵਾਵਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਜੈਨਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਆਖੀ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈਗੀ, ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜੁੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਸੇ ਦੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰ ਜਬ ਤਾਕਤ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਚੂਰ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ, ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਲਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹਾਂ, ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਮਾਸੂਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ,
मैं सिफारिश करदा इन्हां नूं रिहा किया जाए। पर सूबेदार वजीर खान फिर सोचा च पिया थोड़ा जिहा बई गल्लां तां इन्हां दीआं सही है। उस वेले बल्दी दे उपर तेल पाया दीवान सुचानंद ने, कहिंदा रुको रुको रुको, कहिंदा कहिंदा इन्हां नूं रिहा करन तों पहलां मैं दो सवाल कहिंदा इन्हां बच्चिआं नूं पुछणे चाहुंदा। ये बच्चों पुछण लग्या कहिंदा बच्चिओ साहिबजादे हो, सरकार तुहानूं रिहा करना चाहुंदी है, अगर तुहानूं सरकार रिहा कर दिंदी आ तुसीं दसो की करोंगे। ये कहिंदे करना की आ, जंगलां च जावांगे, पिंडां च जावांगे, अपनी शक्ति नूं संगठन करांगे, घोड़े खरीदांगे, शस्त्र विद्या होर सिखांगे, हथियार खरीदांगे ते जुल्म दे नाल टक्कर लवांगे। तुहाडे वर्गे जिहड़े कहिंदे ने जुल्म करदे आ, साहिबजादे ने यह जवाब दिता कचहरी दे विच, वजीर खान तुहाडे वर्गे जिहड़े जुल्म कर रहे हन उन्हां दे भी असीं सिर लवांगे। ये गल जदों ठोक ठोक के साहिबजादे ने आखी आ, तो दीवान साहब ने फिर ये गल नूं रिपीट किया, साहिबजादे ने यही जवाब दिता, तो दीवान सुचानंद कहिंदा भी हुण दसो ये बच्चे मासूम न्याणे आ जां सियाणे आ, तुसीं करो फैसला। कहिंदा कहिंदा खान साहब ये जम दियां सूलां दे मूँह तिखे ने, यह बागी दे पुत्तर हन, एक सप दे बच्चे हन सपोलीए, इन्हीं वड्डे होकर डंग मारने मारना हकूमत दियां जड़ां नूं पट्टणगे, ये नाश करनगे। मैं सिफारिश करदा कि इन्हां बच्चियां नूं सख्त तो सख्त फतवा ला के इन्हां नूं खत्म किया जाए। वजीर खान नूं बस जिद्दां कहिंदे हुंदे आ ना भई होर जोश मिल गया, उहनूं होर ताकत मिल गई। मेरा अपना खास दीवान यह गल कहिंदा, उहनें मारिया दबका फिर काजी नूं, कहिंदा काजी साहब लाओ फतवा, कहिंदा बंदे दा पुत बन के जिउंदे नहीं छड्डणे। ते काजी भी घबरा गया, जां इह कह लईए वी लालच दे विच आ गया, ते उहने फिर उहनां नूं नीहां दे विच चिणन दा साहिबजादे नूं फतवा ला दित्ता। पर उत्थों अगे साहिबजादियां ने जदों नीहां दा विच चिणन दा फतवा सुणिया तां अगों की जवाब दित्ता, आ सुणो कविता राहीं। ईण मन्नी ना सूबे आवे तेरी, भावे नियां बिच चिण दे। ईण मन्नी ना सूबे आवे तेरी, भावे नियां बिच चिण दे। ईण मन्नी ना दे लख लालच असी लाल चाची आउना नी, दादा जी दी पग नू दाग असी लाउना नी। दादा जी दी पग नू दाग असी लाउना नी। दादा जी दी पग नू दाग असी लाउना नी। तेरी आकड़े हां तेरी आकड़े अज असी भन्नणी, भावे नी आ बिच चिण दे। तेरी ईणना सूबे आहो मन्नणी, भावे नी आ बिच चिण दे। तेरी ईणना असी भावे छोटे साडे हौसले बुलांदे ने, सानू की डराउणा तेरे गुस्से वाले रंग ने। सानू की डराउणा तेरे गुस्से वाले रंग ने। सानू की डराउणा तेरे गुस्से वाले रंग ने। चुल्ले अज जेड़ी हां चुल्ले अज जेड़ी हनेरी इत्थे चुल्लणी, भावे नीआं बिच चिण दे। तेरी ईणना सूबे आहो मन्नणी, भावे नीआं बिच चिण दे। तेरी दादी जी सिखाई सानू सिक्खी दी मुहारनी, हस हस जिंदे हो कौमी उत्तों बारनी। हस हस जिंदे असी सिख कौम मारनी, हस हस जिंदे असी सिख उत्तों बारनी। चल अज जेड़ी हां चल अज जेड़ी चालिए तू चलनी, भावे नीआं बिच चिण दे। तेरी ईणना सूबे आहो मन्नणी, भावे नीआं बिच चिण दे। तेरी ईणना रहणा नहीं ओ
कोई तेरा सुबिया निशान ओए साडे उत्ते करू पूरी सिख कौम माण ओए साडे उत्ते करू पूरी सिख कौम माण ओए साडे उत्ते करू पूरी सिख कौम माण ओए जिंद असी हां हो जिंद असी हां शहीदी रंग रंगणी पामेनिया बिच चिड़दे तेरी नना तेरी नना सुपिया हो मननी पामेनिया बिच चिड़दे तेरी नना धरती भी कंबू अज अंबरी भी डोलूगा बुटेरा ए खालसा एवें गज बोलूगा बुटेरा ए खालसा एवें गज बोलूगा बुटेरा ए खालसा एवें गज बोलूगा कला चढ़दी हां कला चढ़दी सिक्की दी असी मंगनी पामेनिया बिच चिड़दे तेरी नना तेरी नना सुपिया होए मननी पामेनिया बिच चिड़दे तेरी नना कड़के साहबजादे बिच कचहरी दे योधे अपना निशाना कदे भी भुलदे नहीं होए लग जाण जे दाग गुलामी दे नाल हंझुआं दे कदे भी उह धुलदे नहीं अणख मिट जा जिन्हां लोकां दे अंदरों उह फिरिंदे कदे भी किसे कौडी दे मुल दे नहीं दर्द कौम दा जिन्हां दे दिल अंदर उह छाबे चांदियां विच कदे भी तुलदे नहीं वजीर खान बाजों हथ करारियां दे दर इनसाफ दे कदे भी खुलदे नहीं साहबजादियां ने कड़क कड़क के जदों जवाब दित्ते आ ना तो सूबेदार वजीर खान कंब उठिया फतवा इन्हां ने लगा दिता कि इन्हां नूं नीहां दे विच चिण दिता जाए साहिबजादे माता गुजरी दे कोल ठंडे बुरज दे विच चले जांदे हन माता जी पुछदे ने कि मेरे बच्चेओ अज दी जिहड़ी पेशी आ अज सूबे दे नाल जिहड़े तुहाडे सवाल जवाब होए आ अज दा मैनूं उत्थों दा सारा जिहड़ा वरतांत वह दसो साहिबजादे ने सारी गलबात दसी ते माता जी पुछदे आ कि बच्चेओ कोई इहो जिहा इंसान भी होया वी जिहड़ा इस हक सच लई तुहाडे हक दे विच आया होवे बच्चे कहिंदे ने मां हाँ एक शख्स मलेरकोटले दा राजा जिहड़ा आ ना मां उह साडे हक दे विच बोलिया होर कोई नहीं बोलिया उहने साडे हक दे विच नारा मारिया ते कहिंदे ने दादी माता ने खड़े हो के उस वेले फिर मलेरकोटले वल नूं हथ करके दा आशीर्वाद दिता कहिंदी वे शेर मुहम्मदा मलेरकोटले वालिया वे तेरा इह शहर युग युग वसदा रहे ये दादी माँ ने आशीर्वाद दिता कहिंदी तू मेरे बच्चियां दे हक दे विच हा दा नारा मारिया तू जिउंदा रह इतिहास दे विच तेरा नाम इसे ही तरह चमकेगा ये गल सच साबित होई आ मलेरकोटला सदा सदा लई आबाद आ ते ये जिहड़ा सरहंद दा इतिहास बड़ा लंबा इतिहास आ इस सरहंद दी धरती दे उपर किसे समय जालमां ने भगत सदना जी महाराज जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच विराजमान हन उन्हां नूं भी नीहां दे विच चिण के इत्थे शहीद कीता सी इसे ही सरहंद दे आले दुआले समाणे शहर च पीर बुद्धू शाह नूं जिउंदे नूं जमीन दे विच दफन कीता सी औरंगजेब दे हुक्मां दे नाल हुण माता गुजरी जी ने साहिबजादियां नूं समझाया फिर पढ़ाया होर हल्लाशेरी दित्ती है ते सारी रात माता जी अपनी हैक दे नाल ला के बच्चों नूं उन्हां दा मनोबल उच्चा चकण दे लई कि वेख्यो कल नूं आखरी पेशी आ मैनूं पता बच्चेओ तुसीं आउणा नहीं वापस वेख्यो अपने दादे दी चिट्टी पग नूं किते दाग ना लग जावे तुसीं शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज दी अंश वंश दे विचों हो वेख्यो ध्यान रखियो किते थिड़क ना जायो डोल ना जायो बच्चे कहिंदे मां घबरा रहा तूं असीं अपने फैसले ते अटल रहांगे कहिंदे ने कि तेरा पोह दा खूनी सूरज चढ़िया
सिपाही लैन आए हैं साहिबजादियां नूं, ते शहर कहिंदा वी तुर पए दोनों लाडले, तुर पए दोनों लाडले जद फतेह बुला के वार आखरी माँ दे चरणी हथ ला के बूहे विचों परत के बोले मुस्का के माँ उडीकांगे असी सचखंड विच जा के पर ना आना तुसा ने भी बहुता चिर ला के थक ना जाइए अम्मीए असी औंसियां पा के माँ साडा चित नहीं लगना तू छेती आना नहीं तो रुस पऊगा फतेह सिंह जी परचौना मिन्नतां कर कर अम्मीए फिर पऊ मनाउणा तेरे बाजों लोरियां दे किने सलाउणा तेरी गोदी बाज ना सच खंड भी पौना मामा बाज लगदा है मां सुरग डराउणा मां सुरग डराउणा केंदे सुन के मूर्त प्यार दी केंदे सुन के मूर्त प्यार दी फिर उठी बल ला के बिच दलीजा जा खली बाही हथ पा के रुक गई ममता तड़फ दी बुल्ला ते आ के उन्हें पीले हंजू अंदरे उन्हें पीले हंजू अंदरे ढीका ला के दे के दाबू सवर दे रख दर्द दबा के भाणा मन काल दा फिर बोली मुस्का के कहिंदी चलो मेरे हीरियो कहिंदी चलो मेरे हीरियो मैं छेती आवां माँ पुत्रां दी सांझ जिवें चानण परछावां जिधरे उठदे हंसते उधर जावण छावां ओए तोर घर दियां रौणकां मैं सुरग बसावां तोर घर दियां रौणकां मैं सुरग बसावां किहो जी दादी माँ होवेगी कि अपने माँ तो माँ ही होंदी है अंदरों जिहड़ी ममता तो वह उठती है ना कि अज मेरे बच्चियां ने वापस नहीं आना है पर किडनी बलवान होवेगी मानसिक तौर पर दादी माँ जिन्हों पता अपने हथीं तैयार करके भेज रही है सिपाही लै जांदे आ एक दोना सिंह हंडूरिया उस वेले का जिहड़ा सिख विद्वान होया वह लिखदा कहिंदा 13 पोह नूं साहिबजादियां नूं इक पिप्पल दे रुख दे नाल बन्निया नूड़ के रस्सियां दे नाल रस्सियां दे नाल बन के उन्हां दे गुलेले मारे गए गुलेलां दे नाल उन्हां दी अखां ते नक ते नील पै गए निशान पै गए ने होश च लियाउण तों बाद शासन वेग ते बाशन वेग इन्हां नूं हुक्म होया कि तुसीं इन्हां साहिबजादियां नूं हुण जिवा करना जिवा किवें कीता जांदा ये दसना बड़ा मुश्किल आ पर सानू एहसास होना चाहिए कि साहबजादियों के उपर किवें दुख बीतिया काजी कलमा कड़ बढ़ता कोल बैठ के जीवा करने वाले बंदे दे हाथ पिछे नू बन लै जाते तो पैर भी बन लै जाते उन्हूं जमीन ते पुट्ठा लटा लिया जाता है एक जना उहदे पैरां नू घुट के फड़ लैंदा पिछों दूसरा जलाद खब्बा गोडा उस बंदे की गिची दे उपर रख के धौण पिछे नू अपने खब्बे हाथ नाल बाल खिच के सज्जे हाथ के नाल फिर शाह रख दे उपर फेरदा आ ते काजी कलमा पढ़ता है इस तरीके दे नाल इन्हां ने साहिबजादियां नूं शहीद किया जिबा किया इतिहास के विच गल लिखी गई है साहिबजादा फतेह सिंह नूं 12.5 मिनट उहदा शरीर तड़फदा रहा साहिबजादा जोरावर सिंह नूं 2.5 तों 3 मिनट उहदा शरीर तड़फिया हौली हौली उहनां दे शरीर ठंडे हो गए आ सचखंड दे विच जा बराजे हन ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संघ ज्योत समाना ये सारे ही दृश्य इनू वेख्या बाबा मोती राम मेहरा उतो वेख्या नहीं जाता रोंदा तहां मारदा दादी माता दे कोल जाके पहुँचता पुछदी आ मोती राम मां मेरे मोतियां दा की हाल आ ये रोंदा करलाउंदा दसदा मां तेरे मोतियां दा हार टुट चुकिया बिखर चुकिया उस वेले दा दृश्य इस कविता दे राही बाबा मोती राम किवें कहिंदा आ सुणो जरा ਚਿਣਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿਣਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਉੱਪਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਦੱਸਦਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਦੱਸਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੌਕੇ ਲੈ ਲੈ ਦੱਸਦਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਉਂਦਾ ਹੱਥ ਹੋ
होगी जुलमा दी अत होगी जुलमा दी छा गए चार छपेर हनेरे चिण ते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे चिण ते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे जिना ताई उड़ी के तू ओना तेरे कोल नी आना ओना चिर दे थकिया ने जाके गोद बाबे दी सोना ओना चिर दे थकिया ने जाके गोद दादे दी सोना ओना चिर दे थकिया ने जाके गोद दादे दी सोना जाके कह दियो दादी नू हां कह दियो दादी नू साडे सचखंड दे विच डेरे चिण ते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे चिण ते विच नीहां दे छोटे लाल अमड़िए तेरे सारी कलक ते रोंदी रही तेरे पोते रे मसिकाउंदे किवें सिदक निभाई दा बड़ियां बड़ियां नू समझाउंदे ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਕ ਨਿਵਾਈ ਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨੂਰ ਹਮ ਕਿੜੇ ਤੇ ਹਾਂ ਨੂਰ ਹਮ ਕਿੜੇ ਤੇ ਪੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕਮਲਾਏ ਚਿਹਰੇ ਚਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਤੇ ਨੂੰ ਪੜਕਾਇਆ ਚਿਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੂਬੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਚਿਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੂਬੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਚਿਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਸੂਬੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖੀਓਂ ਹੰਝੂ ਘੇਰੇ ਚਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਲਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਨੀ ਡੋਲੇ ਤੱਕ ਹੌਸਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲਾਂ ਓਲੇ ਤੱਕ ਹੌਸਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲਾਂ ਓਲੇ ਤੱਕ ਹੌਸਲੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੋਇਆ ਬੱਦਲਾਂ ਓਲੇ ਮੋਰਾ ਬਾੜੀਆ ਡੋਲੇ ਨਾ ਹਾਂ ਮੋਰਾ ਬਾੜੀਆ ਡੋਲੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਲ ਮਕਾਸ਼ਟ ਬਥੇਰੇ ਚਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਚਿਣ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਅਮੜੀਏ ਤੇਰੇ ਹਾਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਸਲਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਆਵੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ
कहिंदे किसे नूं नहीं आउण देणा नेड़े ने। हुण लोकी तां इन्ने डरे पए सीगे, कहिंदे ने जिवें कि बाजवा साहब ने बाबा टोडर मल जी का इतिहास दस्सिया, एक रिटायर ऑफिसर आ, रिटायर फौज दा रहा, शाहजहान दे समय इसने बहुत वधिया सेवावां दित्तियां, पर गुरु घर दे नाल जुड़िया होया परिवार आ। ये अपने जद्दी पिंड अलोवाल काकड़ कलां तो कहिंदे वापस आया, इहनू पता लग चुक्या, इहने इसे करके कोशिश करनियां ने कर रहा सी कि मैं इहनू खबर मिल गई सी कि इहनां नूं गिरफ्तार किया होया, पर अजे आण के बैठा ही आ मंजे ते। जानू बाहर जिहड़ा टंडोरा पिटण वाले टंडोरची दे जदों ए शब्द उहदे कन्नां दे विच पए ने कि तीन लावारस लाशां सरहंद दी धरती दे उपर पईआं, कोई उहनां दे नेड़े नहीं आ सकदा, ते इहदे जदों कन्नां दे विच आवाज़ पई कहिंदे घबरा गया, सियाणा शरीर आ घबरा गया। ये इन्हां दी बेटी भवानी ने वेख्या, कहिंदी बापू नूं कुछ हो गया, माँ नूं आवाज़ मारदी आ, माँ बापू नूं कुछ हो गया, माँ कहिंदी पुत तैं नहीं सुणिया उहदे आ की बाहर टंडोरा पिटिया गया, सरहंद की धरती का, कहिंदी माता गुजरी जी ते साहिबजादे नूं शहीद कर दिता गया, हुण उहनां दा संस्कार नहीं होण दिता जा रहा। भवानी ने अपनी उस बेटी ने बापू नूं आख्या, बापू टोडर मल नूं, कि बापू तू एक रिटायर ऑफिसर रह चुका, तू ही इस सरहंद के शहर के इको एक जिहड़ा इस जालम दी अखां दे विच अखां पा के गलबात कर सकदा। बापू आपां सब कुछ कुर्बान कर देंगे, पर आपां साहिबजादियां ते माता गुजरी जी दीआं लाशां नूं रुलण नहीं देना, बेअदबी नहीं होण देनी। कहिंदे ने कि टोडर मल फिर गया उठ के वजीर खान नूं, उहने लाणत पाई, ओ जालमा ये तू की कीता, दस सही मैनूं वे किहड़े कायदे कानून दे विच इहनां नूं शहीद कीता को को के। पर वो जालम किसे दी गल सुणन वास्ते तैयार ही नहीं सीगा। वो अग्गों कहिंदा अगर तेरे कोल बहुत ज़्यादा पैसे आ टोडर मल, लिया पैसे, कहिंदा मोहरां दे ते मैं तैनूं जमीन दे दिंदा, कर ला संस्कार, पर नाल मैं सरहंद की जूह दे विच नहीं इहनां दा संस्कार होण देना। ये कहिंदा सरकार दे वल्लों फैसला आ, जा कहिंदा जमीन लै ला जिथों लैनी, तैनूं कौन जमीन दिंदा आ। ये कहिंदे जांदा ने अत्ते आणी जिहड़ा पिंड अत्ते वाली, उत्थों दा जिहड़ा चौधरी अत्ता चौधरी, उहने सारी गलबात दसी, वधिया सीगा इंसान। ते नाल बाबा मोती राम मेहरा जी, उन्हां दा भरा नागर माल, जिवें कि इन्हां इतिहास दे विच दस्सिया, ते अत्ते चौधरी ने जमीन दे दित्ती। कहिंदा जी ठीक है साहिबजादां दा तुसीं संस्कार कर लो, मैं जमीन देण नूं तैयार हाँ। तो उधर इहनूं खबर फिर मिल गई वजीर खान नूं, भी अत्ते चौधरी ने जमीन दित्ती, उहनूं सद लिया, कहिंदा वो अत्या तू जमीना नूं क्यों दित्ती आ, तू कौन होना, कहिंदा जमीन देण वाला। अत्ता चौधरी कहिंदा मेरी अपनी जमीन आ, मैं दे सकदा। वह कहिंदा जमीना सारियां सरकार दीआं हुंदीआं, जदों चाहुणे जबत कर सकदियां, पासे हो, कहिंदा हुण असीं इहदा मुल वट्टांगे। फिर इहने टोडर मल जी नूं आखिया, बे अगर तां इहनां दा संस्कार करन वास्ते जमीन लैणी आ ना, इहदे उप्पर फिर मोहरां बिछा होण उन्नीआं, ते कि तूं कह रहा मैं बहुत अमीर आं, मैं सब कुछ कुरबान कर दूंगा, लिया सोने दीआं मोहरां। ते फिर मोहरां लिया के टोडर मल दे सारे परिवार ने उहदे उप्पर बिछा दित्तियां। जदों बिछाईआं तो ये देखो जालम की जिहड़ी की आपां कहिंदा घरों लिया के धरती उत्ते टोडर मल बिछाइया मोहरां, भागवान सी उसकी पत्नी अपने गलों सी लाइया मोहरां, सूबेदार ने गिणिया मोहरां, टोडर मल बिछाइया मोहरां, संस्कार ले भोए खरीदी बड़े ही चंगे कम आईया मोहरां। मोहरां बिछा दित्तियां गई, पर दीवान सुचानंद ने कन्न च मारी फूक, बई ये तो मतलब आप चाहते संस्कार हो चलिया, आपां सौदा बदल दिंदे आ। इन्होंने उस वेले कहा टोडर मल नूं, सौदा इदां नहीं सी होया, सौदा होया सी कि मोहरां नूं खड़ियां करना, खड़मीदार नूं मोहरां खड़ियां कर। बेटी उन्हां दी भवानी कहण लगी, बापू घबरा ना, अपने कोल वाहिगुरू ने बहुत कुछ दिता, गुरु नानक साहब ने कहिंदे इन्हां ने खच्चरां ते लद के फिर होर मोहरां लियांदियां, होर मोहरां लियांदियां। ते उत्थे कहिंदे बाबा टोडर मल फिर विराग दे विच आउंदा, धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पाश नूं याद करदा कि तुहाडे कीते हुए बचन अज पूरे हो जा रहे ने। कहिंदे ने कि जदों गुरु तेग बहादुर महाराज उहनां दे घरे एक वारी प्रशादा छकण जांदे आ, तीन चार दिन बड़ी उन्नी सेवा कीती सी बाबा टोडर मल ने, ते जाण लग्गिआं ते उस वेले बाबा टोडर मल नौजवान सीगा, उस वेले एक मोहरां दी परात भर के महाराज दे अगे भेंट कीती कि महाराज सच्चे पातशाह साडे वल्लों आ सेवा प्रवान कीती जावे। तो कहिंदे गुरु तेग बहादुर महाराज ने वह भेटा जिहड़ी आ ना प्रवान कर दित्ती सी, कहिंदे टोडर मल असीं इह भेटा प्रवान नहीं करदे। टोडर मल पुछण लगा महाराज की गल होई है, ये थोड़ियां,
कहिंदे हाँ थोड़ियां महाराज कहिंदे कहिंदे महाराज हुक्म करो असीं होर लै आउंदे आ तुहाडी कृपा दे नाल तां सारी अमीरी मिली आ सानूं महाराज कहिंदे नहीं ये संभाल के रख इन्हां च होर जोड़ लै जमा कर दा जा पर लवांगे जरूर पर इन्हां नूं बधा ला जिन्ना होर जमा हुंदा कर लै पर लईआं जरूर जाणगीआं पर अज टोडर मालो गल नूं याद करके ना तहां मार के रोंदा आ तो नाले याद करता सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह आप जी का किया हुआ बचन पूरा हो जा रहा कहिंदे ने पौने दो क्वंटल सोना मोहर उन्होंने उस वेले भी खड़मीदार उस जमीन के उपर खरीदिया खड़िया कीतियां तो उस जमीन ली आ चंदन की चिखा चिणी गई है चंदन की चिखा चिण के साहबजादियां माता गुजरी जी ने उपर लटाया गया तो सिर्फ तो सिर्फ बाबा मोती राम मेरा पांच चार बंदे ने उस वेले आम बंद भी कोई चढ़ाई कर जाए चाली पंजाह बंदे अक्सर होंगे ने पर अज दुख की गल है उस सरहंद के शहर के माता गुजरी जी तो छोटे साहबजाद्या चिखा के दुआले तुरन वाले दो चार ही बंदे ने अगर पशु पंछी परांदी परिंदिया के बिचों भी कद कोई मर जाए ना आ कां वेखदे आपां ना कां कितें कां एक कां की मौत हो जाती है वह कां इकट्ठे हो के कां 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 की रौली पाते रोंदे आ कि अज साडा कोई अपना विछड़ गया कदे मुड़ के नहीं आना वह अज देखो सरहंद शहर के अंदर उस गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे तो माता गुजरी जिन्होंने अपना सारा परिवार देश कौम के लिए कुर्बान कर दिता पर उस शहर के बिचों सरहंद शहर के बिचों कोई अथरू केरन वाला नहीं है सारे कुंडे ला के अपने अंदरों अंदरी बैठे ने सारे अंदरों अंदरी बढ़ के बैठे आ सारियां दी जमीर ते अणख जिहड़ी गैर तो मर चुकी है इस करके बाबा बंदा सिंह बहादुर ने बाद इट ना इट कड़काई सी सिर्फ तो सिर्फ सरहंद शहर नूं तहस नहस किया सी कि लोगों नूं अहसास हो जाए कि किसी के दुख दर्द घट्टो घट तुसीं उस वेले तां शामिल हो जाते जो महाराज के बच्चों का संस्कार किया जाता सीगा तो चिखा चिणी गई आ चिखा चिण तो बाद चंदन की चिखा उन्हों टोडर मल जी ने अग्नि भेंट की उस वेले दृश्य का इन्हों लाइना में मेरा वीर दस रहा कोल चिखा दे खड़के रोंदे टोडर मल दे सन सारे पट्टियां गईयां जड़ां तेरियां हो अज जालम सरकारे तरस पुराना आया तैनू तू इना कैर कमाया टोडर मल ने फर्ज गुरां दा हती आप निभाया ने परज गुरांदा हती आप निभाया हो कोई ना तुरिया अरती पिछे कोई ना तुरिया मर गईया जमीरा बिच सुखा सारे आंदे दूरों कत बहीरा कुदरत
ਦੀ ਲੀਲਾ ਤੱਕ ਲੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਟੋਡਰ ਮਲ ਨੇ ਹਰ ਜਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਆਪ ਨਿਭਾਇਆ ਟੋਡਰ ਮਲ ਨੇ ਹਰ ਜਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਆਪ ਨਿਭਾਇਆ ਚੰਦਣ ਦੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਟਾਇਆ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰਮਾ ਤੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ ਟੋਡਰ ਮਲ ਨੇ ਹਰਜ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਆਪ ਨਿਵਾਇਆ ਟੋਡਰ ਮਲ ਨੇ ਹਰਜ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥੀ ਆਪ ਨਿਵਾਇਆ ਟੋਡਰ ਮਲ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਰਸੋਈ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਆ। ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਦੁੱਧ ਛਕਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਦੱਸ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾ ਤਿਆਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਰੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭੋਲੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਜੀ, ਤੇਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ, ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਰੈਣਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ, ਖੂਨ ਦੇ ਧਰਾਲੇ ਚੱਲੇ, ਥੱਲੇ ਮਿੱਝ ਖੂਨ ਦਾ ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਲੱਦੋ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅਜੇ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਣਖ ਨਾ ਜਿਉਣਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ। ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਖੜ੍ਹਾ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹਲੂ 'ਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਪੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੂਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।